हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, सबका स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो अब जा रहे हैं हम लोग रानी पहाड़, जो बजराज कुमार से बस 800 मीटर दूरी पे है, और हम लोग निकल गए पैदल पूरे गैंग के साथ। और चलो आगे चलते हैं तो देखते हैं, बने रहो। तो गाइस, यही वो रास्ता है भाई जिससे आपको चल के जाना होगा। उधर से नहीं हम लोग आएंगे, वहीं रुको, वहीं ना वहाँ रुको, 15 मिनट में हम लोग। तो गाइस देख सकते हो बहुत ऊंचा पर है यार, और हम लोग निकल गए हैं पैदल, जो लगता है बड़ा कठिन है। मुखिया समझदार था, वो कहा कि तू लोग जाओ, हमने दर्शन कर लिया है। तो गाइस देख रहे हो, ये पूरा सीधा चलाने भाई, इधर गहरा जो देख रहे हो उसको पत्थर को काटते हुए बना हुआ ये रास्ता। बहुत थकान हो गया यार, क्योंकि देख रहे हो ये ऊपर आने के बाद इस तरह का नज़ारा हो जाता है। ये था वो रास्ता जिससे हम ऊपर आए हैं। सांसें फूलने लगी है। तो भाई अगर देख रहे हो तो लाइक करो ना मेरा भाई। तो फाइनली गाइस, मतलब कि तकरीबन 700 मीटर चलने के बाद और हम पहुंच चुके हैं राजा रानी के घर के पास। और देख रहे हो आगे लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि किधर है इसका, कहानी क्या है सर भी, सर सरफी सर, इसका कहानी क्या है यहाँ का? मतलब कहानी है बच्चे ने सुनते, जैसे कि मजा है। जो चोर लोग थे यहाँ, अच्छा, जब पहला बार चोरी करने यहाँ का, जो राजा जी से वहाँ थे, तो राजा कभी हाथ को देखे आप काट दिए हैं पूरा। अच्छा अच्छा, हाथ देखिए उनका कट गया पूरा। कहाँ राजा थे? वहाँ वो राजा थे, जहाँ की वो राजा थे बस राजकुमार। अच्छा, यहाँ रानी है। अच्छा अच्छा, अब एक उनका सांप था उस साइड, वो उधर ठीक ना, बैल है सांप है उधर ही है, वो सांप वहाँ काट रहे थे ना, तो वो मर नहीं रहा था, झुक जा रहा था, तो उसको काटते जो गया और पलटते गया तो है, बच गया था वो बाघ जो आज तक नहीं कटाया, आज तक जिंदा है। अच्छा, समझ गए ना, आज तक का नाम है, आज तक जिंदा है वो। और रात किसी वजह से यहाँ कोई नहीं रहता है। अच्छा, पता नहीं अब आगे का क्या है कैसे, उतने जाना। तो गाय, जैसा कि इस कहानी में पता चला कि जो बाघ था और सांप और जो गाय था, तो भाई सांप और जो बैल थे उनको तो मार दिया गया, लेकिन बाघ अभी कहा जाता है कि जिंदा है। इसी कारण देखिए, इसी कारण है कि यहाँ लगभग आजकल तो नहीं, लेकिन सीजन में 400 से 500 पर डे खांसी कटता है। अच्छा, लेकिन खून का एक बूंद वहाँ नहीं दिखेगा। अच्छा अच्छा, हाँ, माछी पर नहीं बैठता, माछी नहीं बैठता था। तो यार है क्या कि यहाँ 500 से 700 खांसी कट जाती है सीजन में, लेकिन एक भी माछी नहीं रहती है। तो देखते हैं, मशक्कत के बाद हम पहुँच गए रानी के महल, और जहाँ पे रहा करती थी रानी। बहुत समय के बाद फिलहाल हम पहुंच गए रानी जी का मंदिर पे, और दिखाते हैं, यही वो जगह है। ये बनावटी नहीं बनाया गया है, जो रानी बनावटी नहीं है, कोई बनाया नहीं है, सब निकल है वहाँ का राजा भी जो थे। तो गाइस ये जो देख रहे हो मंदिर और ये रानी का प्रतिमा जो है, वो कोई बनाया नहीं है, निकला हुआ है ऐसा माना जाता है। और उधर उस साइड वहाँ सांपवा है, नरकटिया है, उस साइड में है, ये है अभी यहाँ नहीं है मंदिर है कि नहीं, वहाँ से उधर जाना पड़ेगा। का नक्शा आप देख सकते हो कि किस प्रकार से पसीना यहाँ से और टीका यहाँ से, तो वो जो टीका लगा हुआ है वो आ गया यहाँ पे, और इधर शर्ट में भी। तो इधर सरफी सर अपने मोबाइल को चलाते हुए, देखो क्या होगा इनका, यार इतना दूर श्रद्धा में आए हैं, लेकिन देखो है इसका तो अलग दुनिया है। ये मेरा तो एक भी नहीं है, एक भी मेरा नहीं है। अच्छा अच्छा, पता नहीं क्यों नहीं, लेकिन पसीना तो है। ये लड़का लगता है कि मर्द नहीं है मेरा भाई। तो गाइस तकरीबन यहाँ 15 मिनट बैठने के बाद एक बाबा हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे इस मंदिर और यहाँ के बसराज कुमार बाबा के बारे में। तो गाइस ये जानकारी जो है ना, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर नए आए हुए, हमें भी पता तो है नहीं इसके बारे में। थोड़ा सरफी सर को पता था, इन्होंने कुछ बताया, लेकिन अभी एक बाबा आए हैं तो उनको शायद अच्छे से जानकारी होगा, तो अभी पूछेंगे कि इसका आखिर प्रख्यातता इतना क्यों है जो लोग यहाँ पर आते हैं। तो चलो मिलाते हैं बाबा से, आप देखते रहो, बड़ा इंटरेस्टिंग है ब्लॉग यार।
तो बाबा जी आइएगा, थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि ये जो मंदिर इतना जंगल में है तभी लोग यहाँ पे आते हैं, इसका आखिर कोई मान्यता होगा तभी तो बताइएगा थोड़ा। हाँ बताइए। मैंने ये पूछना चाहते हैं कि राजा जो हैं बसराज जी वहाँ पर हैं और रानी का मंदिर यहाँ पर है, इसका कारण? वो ही बताऊँ। ये गढ़ी बनत रहे। अच्छा अच्छा। मकान। हाँ वो हवे बथान। अच्छा। तो वो दुगो बच्चा के लेके गई वहाँ, दुगो लड़का के लेके गई बथान में। अच्छा अच्छा। दूध दुहवाए। अच्छा। और रानी रह गई यहाँ गढ़ी में। अच्छा। तो वो वहाँ गए तो हम कब बोलिए दुर्घटना उमन कर वहाँ हो गई। अच्छा। और रानी रहे यहाँ तो रानी अपन से यहाँ अपन जान ले लें। अच्छा, खुद से जानी मतलब अपनी जान ले ली। नहीं मतलब ये चीज तो राजा के वहाँ चोर मन सरप मन कर तोहर दार है। अच्छा, सांप। हाँ सरप। तो सरप उधरी है पूर्ण धरी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ओके का करें, ये रानी के चोराय के लगा है दोसर राजा। अच्छा। तो कहे कि माँ कैसे के चोराय के ले जाऊँ। तो कहे कि तब तोहर दार के माँ का दवाई करूँ कि वो सोची कि दूध लवा लान के सौरभ होकर नाक जमता के दे दू खाए में फुलाए रही और ओके खंडे खंडा कर दे राजा को। नहीं सांप को। आ, अच्छा। तो चोर मन के खंडे खंडा कर दही। अच्छा, अच्छा। बात का करें कि राजा के मार दही। अच्छा। और रानी वहाँ ले जान गई कि आप तो मुँह नहीं बाछो। रानी अपन से यहाँ जान ले ली। हाँ जान ले रही। अच्छा। अब जान अपन से नहीं दे रहते हैं तो दूसर राजा दूसर देश में ले जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब हरण करके कल वो सोचे कि राजा के वहाँ मार दे तो माँ अपन से माँ यहाँ सती हो जाए। खुद सती हो गई। खुद सती हो गई। दूसर का राजा जो मैं कहा जाऊँ के मार दे। हाँ हाँ। तो भाई इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से थी कि जब राजा को वहाँ पर खंडित करके मतलब उनके सर्प के द्वारा रक्षा करने के बावजूद भी उनको मार दिया गया तो रानी जो थी उन्होंने अपने आप से आत्महत्या कर लिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ से कहीं और जाऊँ और कोई मुझे राजा दूसरा ले जाए। तो यही इसकी कहानी है, प्रेक्षता है और यहाँ पे लोग आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो कभी आप भी आओ, आपको मौका मिले तो बहुत ही अच्छा जगह है और सुकून शांति सभी चीज़ का यहाँ पे अनुभव आपको होगा क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब छत्तीसगढ़ से तकरीबन 50 से 70 किलोमीटर के दूरी रमानुगंज से 36 से 50 किलोमीटर के अंदर में बसा हुआ एक बसराज कोर एरिया है। तो बहुत ही अच्छा एरिया है, आप कभी आओ और दर्शन करो। बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद जय भारत।